नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 12 जनवरी थर्सडे यानी गुरुवार का दिन है और आपके राशिफल के साथ हम हाजिर हैं। जिनका आज के दिन बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके जन्मदिन की। आपका साल बहुत ही खुशियों से भरा हो, आपके जीवन में हमेशा तरक्की आए। लेकिन आपने एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना है जिसे हम लेकर के आपके पास आए हैं। लेकिन आपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, छोटों को प्यार ज़रूर करना है और खुशी का इजहार मिठाई बांट करके ज़रूर करना है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके महा उपाय की, जो आपके लिए लेकर के आए हैं। पीली दाल आज के दिन आपने दान में ज़रूर देनी है। 1.25 मीटर आपने पीला कपड़ा लेना है, उसके चारों कोनों में आपने एक एक हल्दी की, कच्ची हल्दी की गांठ जो है उसे बांध लेनी है और बीच में आपने दाल डालनी है और उसका दान आपने देना है। साथ के साथ पीले रंग के आपने गर्म कपड़ों का दान ज़रूर दीजिएगा, मिठाई ज़रूर बांटिएगा और आप छोटों को प्यार ज़रूर कीजिएगा, बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। आपका दिन अच्छा होगा, आपका साल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको जन्मदिन की। अब बात करेंगे ट्रांजिट यानी गोचर की, राशियों की बात भी होगी, लकी अक्षर की बात होगी, लकी विजेता की बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम गोचर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि मंगल आज मार्गी हो गए थे यानी सीधी चाल चलने, क्योंकि मंगल ने वक्रीय चालने में बड़े परेशानी की है। हर किसी को कहीं ना कहीं छोटी छोटी परेशानी उसने दी ही दी है, क्योंकि मंगल अगर सीधी चाल चलते हैं तो अच्छा फायदा देते हैं। वक्रीय चाल कोई भी ग्रह, मंगल क्या कोई भी ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। हाँ, कुछ एक भाव हैं जहाँ पे वक्रीय ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कोई भी ग्रह वक्रीय चाल में अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। मंगल आज मार्गी हो गए हैं, जो कि सुबह सुबह 4:25 पर ही सीधी चाल चलना शुरू हो गए हैं। जो तनाव था, स्ट्रेस था, वो कहीं ना कहीं अब निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करेंगे ट्रांजिट यानी गोचर की। सूर्य रहेंगे धनु राशि में, 28 डिग्री के हैं, बुध के साथ हैं जो कि वक्रीय चल रहे हैं। बुध चंद्रमा सिंह राशि में है, 25 डिग्री के हैं। मंगल 14 डिग्री के हैं, वृष राशि में है जो कि रेट्रो उल्टी चाल में चल रहे थे। और खास करके मंगल आज ही जो डिग्री बदली है, जो आज ही उनकी सीधी चाल शुरू हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सीधी चाल होना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये चाल आज सुबह वक्रीय हो रहे थे, लेकिन आज सुबह सीधी चाल में शुरू हो गए। बुध की बात करते हैं, धनु राशि में हैं, वक्रीय हैं, 17 डिग्री के हैं, सूर्य के साथ हैं। गुरु 9 डिग्री के हैं, स्वराशि मीन राशि में है। शुक्र मकर राशि में है, 17 डिग्री के शनि के साथ हैं। शनि मकर राशि में, 29 डिग्री के हैं, शुक्र के साथ हैं। राहु मेष राशि में है, 16 डिग्री के हैं और केतु तुला राशि में है, 16 डिग्री के हैं। कल का लकी अक्षर, थोड़ा सा इंतज़ार। आज का लकी विजेता, आप भी थोड़ा सा इंतज़ार। लेकिन पहले हाल राशियों का, पहली राशि मेष राशि एरीज, अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों को ज़रा संभाल करके रखिएगा। अपने काम और परिवार के अंदर बैलेंस बना करके चलेगा। ऐसा नहीं कि काम के चक्कर में भागे जा रहे हैं और परिवार को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार के साथ ही बस चिपके रह गए हैं, काम को पीछे छोड़ दिया। तो दोनों में तालमेल और बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकम के नए साधन मिलेंगे। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल। लाल रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृष राशि यानी टॉरस की बात करते हैं, विदेश यात्रा के पूरे पूरे योग हैं। अपने कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बना करके रखें। भोजन आज घर का ही करें यानी बाहर के खाने से परहेज करें। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 1। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे। ग्रे रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मिथुन यानी जेमिनी की बात करते हैं, अचानक कहीं दूर यात्रा पर जाने के योग हैं। अचानक धन भी आज के दिन मिल सकता है, लेकिन डॉक्टरों के चक्कर भी लग सकते हैं, तो स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें, वो रहेगा 9। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कर्क यानी कैंसेरियन की बात करते हैं, आज के काम आज ही पूरे कीजिए, इसे कल पर डालेंगे तो मुश्किल हो सकती है और साथ के साथ ये काम आपके लटक भी सकते हैं। कोई करीबी आज के दिन आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है।
धन के नुकसान से बचने का प्रयास करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी। नारंगी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। लियो यानी सिंह की बात करते हैं, लालच से बचे वरना खतरा हो सकता है आपके लिए। सहयोगियों से तालमेल बना करके रखें। कोई भी जरूरी फैसला किसी अपने की सलाह लेकर के ही करें। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम। क्रीम रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वर्गो यानी कन्या की बात कर लेते हैं, अपने पर्स का, अपने पैसे का, अपने धन का खास करके आज के दिन ध्यान रखने की जरूरत है। किसी से अपनी निजी बातें शेयर ना करें। माता पिता से दूरियां बढ़ सकती हैं और इन दूरियों के चलते आप ही का नुकसान हो सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। अब आती है बात आपके लकी विजेता की। कौन है आपके लकी विजेता जिनकी कुंडली आज के दिन देखी जाएगी। आकांक्षा राय है और ग्वालियर से है, इन्होंने डिटेल डाली है 08072002:45 का इनका जन्म है। ग्वालियर का इनका जन्म है। तुला लग्न की इनकी कुंडली बनती है और राशि बनती है इनकी टॉरस यानी वृष राशि। राहु की महादशा, सूर्य की अंतरदशा चल रही है। लग्नेश वैसे अपनी जगह पर सही है लेकिन कर्म भाव में बैठे हुए दो प्लैनेट जो कि दोनों अस्त हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लग्न के ऊपर है। एक मूंगा रत्न धारण कर लीजिए बेटा वरना दिक्कत हो सकती है। आपने कहा कि म्यूजिक की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, म्यूजिक की पढ़ाई कर रही हूं, म्यूजिक टीचर बन सकते हैं क्या, जॉब का रिजल्ट आने वाला है, कैसा होगा। अच्छा जी, जॉब का जो रिजल्ट आने वाला है, आपका प्लेनेट तो अस्त है, आप अभी से ही उपाय करना शुरू कर दीजिए। एक तो हर दिन आपने गुरुवार को क्या, आपने तो रेगुलरी करना, वैसे गुरुवार को मिस नहीं होना चाहिए। हर दिन आपने अपने माथे पर तिलक रखना है हल्दी या फिर केसर का और एक मूंगा रत्न इमीडिएट एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप पहन लीजिए और 8.25 रत्ती का पहनिए, कॉपर में बना करके पहनिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। रही बात अपने म्यूजिक टीचर की बात कही है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अपने ग्रहों को थोड़ा सा सही कीजिए क्योंकि म्यूजिक के लिए आपका बुध का बहुत सही होना, जो कि ऐसे वैसे तो ठीक है लेकिन किन भावों के साथ उसका संबंध बना, आपके द्वादश भाव में उसका संबंध है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप शुरू तो कर देंगे लेकिन बीच में छूटने की संभावनाएं होती हैं। तो आप पहले सबसे पहले मूंगा रत्न पहनिए और साथ के साथ जो मैंने उपाय बताया है इसे कीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा तो इससे आपको लाभ होना जो है वो शुरू हो जाएगा। और उपाय के बिना तो कोई भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन और ट्रीटमेंट नहीं होता है। सो गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थोड़ा संभल करके चलिए, वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए, अपने बिहेवियर में थोड़ी सी आपको नरमी लाने की जरूरत है। सो गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली राशि तुला यानी लिब्रा की बात करते हैं। मेहनत आज के दिन ज़्यादा करनी पड़ सकती है, हो सकता थोड़ा सा रिजल्ट कमी कर सकता है, परेशान हो सकते हैं उससे। आपके दुश्मनों की हार होगी, संतान की ओर से कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 8। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नीला। नीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं, सहनशीलता से काम करने का प्रयास करें। हर काम में जल्दबाजी आपका नुकसान कर सकती है। आज के दिन कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 5। शुभ रंग रहेगा आपके लिए फिरोजी। फिरोजी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। धनु यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। काम पूरा होने में आज के दिन अगर कोई पर्सनली कोई ऐसा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं लेकिन एट द एंड काम कंप्लीट हो जाएगा। अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की जरूरत है। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीला। पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, नौकरी में कुछ परेशानी आ सकती है, विरोधियों की हार होगी, पड़ोसियों के साथ संबंध जो है पहले से बेहतर होंगे। शुभ अंक की बात करें वो रहेगा 3। शुभ रंग रहेगा आपके लिए जामुनी। जामुनी रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कुंभ यानी एक्वेरियस की बात करते हैं, भाइयों के साथ मतभेद हो सकते हैं, सहयोगियों के कारण भी कुछ तनाव बढ़ सकता है
लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। शुभ अंक की बात करें रहेगा 4। शुभ रंग रहेगा आपके लिए काला। काले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसियन। आपकी अज्ञानता के चलते आपका कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन वहीं महिला मित्र आपको सहयोग कर सकते हैं, आपको लाभ दिला सकते हैं। धन किसी को आज के दिन उधार में ना दे। शुभ अंक की बात करें रहेगा 2। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद। सफेद रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं। कल है 13 जनवरी और कल आप शुक्रवार का दिन है। जो लकी अक्षर है आपका बनता है फ। फ अक्षर का आपने प्रयोग कल के दिन करना है। थोड़ा सा अनार ले लेना है, उसका रस निकाल लेना है, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लेना है, इससे आपने अक्षर लिखना है। लेकिन अक्षर लिखना है आपने अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर, यहाँ पे आपने इस अक्षर को लिखना है और थोड़ी देर के लिए आपने अपने अंगूठे और इस अक्षर को दोनों को जोड़ करके रखना है। एनर्जी फील करनी है, कुछ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और जिस काम के लिए जाना है उस काम के बारे में सोचना है। यकीन मानिए आपका काम भी होगा, आप सुरक्षित भी रहेंगे और आप हैप्पी भी रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आप बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। हर सुबह 6 बजे आप ही के राशिफल के साथ हाजिर होते हैं। कल फिर होंगे सुबह 6 बजे आप ही के राशिफल के साथ। ज़रूर जुड़िएगा, बिल्कुल देखना भूलना नहीं है। इस चैनल के साथ आपने हमेशा जुड़े रहना। नमस्कार, कल का करें इंतज़ार।